Hey Google, what is my YouTube channel name? You told me that your YouTube channel's name is TechBeat. Hey guys, welcome back to another video दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपन ने पोको F1 के अंदर एंड्रॉइड 10 का अपडेट किया था, तो दोस्तों वो क्या सच में मतलब उसमें जो फीचर्स आए थे तो वो क्या उसमें बग है या नहीं है, और क्या क्या फीचर्स जो नए आए थे तो उनके बारे में आज अपन इस चीज़ में बात करने वाले हैं। जितने भी नए फीचर्स इस फोन के अंदर आए हैं और जो जो भी हमको नई चीज़ देखने को मिली है, कैमरा को लेकर, कैलकुलेटर वगैरह, मतलब जो भी ऑप्शन हैं, नोटिफिकेशन बार और गूगल असिस्टेंट वगैरह, बहुत सारी चीज़ में नई आई है गाइस, तो उसके बारे में अपन आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीटली लाइक वाइक कर दीजिएगा, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इतनी नई आई है जो मेरे को काफ़ी पर्सनली पसंद आई थी, उसके बारे में वीडियो में बताऊंगा आगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए आए हो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपने ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आते रहते हैं। तो वैसे अगर अपन सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद एक बार आपको दिखा दूंगा जो भी नया है यूजर्स के हमारे फोन में जो है एंड्रॉइड 10 अपडेट हो गया है या नहीं। तो गाइस आप देखोगे कि यहाँ पे एंड्रॉइड 10 जो है हमारा अपडेट हो चुका है कम्प्लीटली। तो अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं वो क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पे नई देखने को मिली थी एंड्रॉइड 10 के अंदर। तो यहाँ पे सिस्टम अपडेट में जाने के बाद में थ्री डॉट पर टैप करेंगे, और जो व्हाट्स न्यू लिखा हुआ है तो इसको एक बार हम टैप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखने को मिलता है गाइस ओपन नोटिफिकेशन सेटिंग इन द नोटिफिकेशन शेड इन सेकंड स्पेस। तो सेकंड स्पेस जो होता है फ़ोन का, यानी कि दूसरी दुनिया होती है फ़ोन की, तो उसके अंदर जो है इन्होंने नोटिफिकेशन शेड में जो कुछ चेंजेस किए हैं, उसके बाद में हमारा आता है यहाँ पे, फिर हमारा जो है गेम टर्बो आता है। गेम टर्बो के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो उसको बेहतर किया है। उसके बाद में जो स्क्रोलिंग होती है, जैसे कि ऑटोमेटिक जो वॉलपेपर चेंज होते हैं लाइट ऑन ऑफ करने के बाद में, तो वो यहाँ पे इसमें कुछ भी कुछ बग्स थे उनको भी यहाँ पे फिक्स किया हुआ। तो भाई सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ कैमरा की इसकी, तो इस कैमरे में आपको बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। हम यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे थ्री डॉट पर टैप करने के बाद हमको यहाँ पे काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेटिंग, कैमरा फ्रेम, टाइम, टाइम वाला तो पुराना था, टाइम शीट ये भी काफ़ी पुरानी थी शिफ्ट, और शो गाइडलाइंस, और ये जो है कुछ दो तीन ऑप्शंस और हमको देखने को मिले हैं, तो इनको हम यूज़ करें। तो गाइस यहाँ पे कैमरा की फ्रेम है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नया ऑप्शन आया है गाइस, क्योंकि हमको जो सेटिंग में जाके पूरा खोलना पड़ता था फ़ोन, उसके बाद में हमको ये कैमरा की फ्रेम मिलती थी, तो अब यहाँ पे हम कैमरे की फ्रेम को ऑटोमेटिकली यहीं से चेंज कर सकते हैं, बड़ी छोटी जितनी भी हमें कैमरे की फ्रेम चाहिए तो हम इसी हिसाब से हम अपनी कैमरे की फ्रेम को सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को। तो ये सबसे बड़ी वाली कैमरे की फ्रेम है, तो आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है, पूरा का पूरा फ़ोन यहाँ तक कैमरा आ चुका है। अब गाइस इसी में कैमरे में एक और मेजर चेंजेस आया जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गाइस। इसको आप देखो, और यार गाइस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा यार, तो बहुत ही मस्त लगा यार। जो भी नए नए जितने भी फ़ोन निकल रहे हैं ना सैमसंग के या अदरवाइज जितने भी फ़ोन निकल रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमको एक नई चीज़ देखने को मिली है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वाटर मार्क, देख रहा है ना दोस्तों ऊपर, सॉरी, तो ये वाटर मार्क देखने को मिल रहा है, तो उसको आपको टैप करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, डिवाइस वाटर मार्क, ठीक है, तो इसको तो आप ऑन ऑफ करोगे तो पुराना ही था। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कस्टम वाटर मार्क, यानी कि अपना खुद का वाटर मार्क आप जनरेट कर सकते हो। तो आप देखोगे, देखो एक चीज़ दिखा दूँ पहले मैं, यहाँ पर हमने एक फ़ोटो क्लिक करी, तो वहाँ पर आप देखोगे पोको शॉर्ट ऑन पोको F1, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हम वाटर मार्क को कस्टम वाटर मार्क पर इनेबल करते हैं, तो कस्टम वाटरमार्क को इनेबल करने के बाद में हमको जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे हम देखो कस्टम अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं TechBeat। तो जब हमने हमारा कस्टम जो है वाटरमार्क लगा लिया, इसके बाद अगर हम फोटो लेते हैं तो आप देखते हो क्या देखने को मिलेगा हमको। तो ऐसे हमको यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, देख सकते हो फोटो में TechBeat। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को फेमस लगा यार, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं इस चीज़ के लिए सोच रहा था कि यार क्या पोको F1 में आएगा या नहीं, तो काफ़ी अच्छा लगा TechBeat के नाम से। तो वैसे दूसरे चेंजेस की बात करें, दूसरे चेंजेस यहाँ पे नोटिफिकेशन बार जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है, जैसे कि आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी हो चुकी है इसकी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, जो कास्ट वाली प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, जो टीवी से कनेक्ट नहीं हो रहा था, पर खासकर कि MIUI TV से यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था ये, तो यहाँ पे हम कास्ट वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्ट आउट कर दिया गया है, और यहाँ पे TV से भी अब ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गाइस तीसरे चेंजेस की बात करें, थर्ड चेंजेस की बात करें, तो थर्ड चेंजेस है गाइस हमारे यहाँ पे, पहले हमको जो पहले आप जो इधर स्लाइड करते थे इस साइड में, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे मतलब ऑप्शन नहीं देखने को मिलते थे,
बट यहाँ पे एंड्रॉइड 10 आने के बाद में हमको बहुत सारे गाइस ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले कुछ खास ऑप्शन नहीं मिलते थे, सिर्फ कैलकुलेटर वगैरह दो तीन ऑप्शन ही मेजर मिलते थे, बट अब यहाँ पे पूरा का पूरा पर्चा जैसा भर चुका है गाइस। काफ़ी सही लगा ये वाला अपडेट भी मेरे को। गाइस बात करेंगे इसके नेक्स्ट चेंजेस की, तो वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, क्योंकि एंड्रॉइड 10 का जो सबसे बेस्ट लगा मतलब वो चेंजेस मेरे को। तो आप यहाँ पे खोलोगे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे फ़ोन का, इनबिल्ट एप्लीकेशन खोलोगे, तो आप देखो ऑटोमेटिक जो इंटरफेस होगा ओपन होने का, वो चीज़ देखनी है आपको। इस टाइप से होगा, कुछ ऐसे करके ओपन होगा, तो आप देखना। तो गाइस ये जो ओपन होने की जो, ये देखो गाइस, तो अलग ही इंटरफेस है। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आया, और सारे ही आप इंटरफेस ऐसे ही देखोगे, देखो सारे ही इंटरफेस आपको ऐसे ही मिलेंगे हर जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है फ़ोन का उसके। और यहाँ पे हम सेटिंग को ओपन करते हैं, तो गाइस सारे ही मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, और आपको जो एंड्रॉयड 9 है उसमें आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। डायलर हम ओपन करेंगे, डायलर में भी सेम हमको यही देखने को मिलेगा। तो गाइस सॉरी, एक चेंजेस जो है मैं बताना भूल गया था, उसको मैं एडिटिंग टाइम में अब बता रहा हूँ आपको। तो गाइस क्या है कि एक चेंजेस ये आया है, जब हम डार्क मोड पहले ओपन करते थे तो हमारा पूरा फोन जो है डार्क मोड पे कन्वर्ट नहीं होता था, बट जो है अब हम डार्क मोड को ओपन करते हैं तो हमारा यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर कोई जो भी एप्लीकेशन है एंड्रॉइड 10 आने के बाद में, तो वो सारे ही सारे एप्लीकेशन डार्क मोड पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन की जो बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होती है गाइस। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो डार्क मोड ओपन करके एंड्रॉइड 10 के अंदर, और जहाँ पे यूट्यूब चलाओगे तो वो भी ब्लैक हो जाएगा पूरा। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, तो हमको यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में हमको जो यहाँ पे इस लॉक स्क्रीन जो दिख रहा है, लॉक स्क्रीन में अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको जो दिख रहा है क्लेंस फॉर MI, इसको ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे करना है टर्न ऑन वॉलपेपर, तो इसको ओपन कर देंगे हम। तो गाइस यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा, हम यहाँ पे फोटोज़ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कार्योस में बहुत सारे फोटोज़ को जो है ऐसे स्लाइड करके नए नए फोटोज़ को हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का नया ऑप्शन मिल चुका है हमको, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस कैटेगरी के आप फोटोज़ को यहाँ पे लगा सकते हो, तो ये बहुत ही नया ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगाया है यहाँ पे एंड्रॉइड 10 के अंदर। अब गाइस नेक्स्ट की बात करें, तो अब गाइस यहाँ पे लास्ट वाले जो टॉपिक की बात करें, तो गाइस हमारे पास यहाँ पे हमारा खुद का पर्सनल असिस्टेंट बन चुका है गाइस, गूगल असिस्टेंट जो है वो यहाँ पे हमको सुबह शाम और दोपहर में सलाम ठोकता है। नहीं सीरियसली गाइस, मतलब सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, चार्ज में लगाते हैं गाइस हम जैसे ही फ़ोन को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो गाइस सभी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें दुनिया में किस चीज़ की जरूरत गाइस, अकेलापन दूर हो चुका है हमारा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आओ हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो है चार्जर भैया, और चार्जर भैया के केबल को लेके हमको जो है यहाँ पे इस फ़ोन में लगाएंगे हम पोको F1 में। तो इसकी लाइट को पहले आप ऑफ कर देते हैं आपके सामने, और हमने इसको लगा दिया चार्जिंग में। तो गाइस अब आपको देखने को मिलेगा, ये तो पुराना वाला इंटरफेस है, बट गाइस अब आपको देखने को मिलेगा गुड आफ्टरनून। तो ये हमारा एक पर्सनली जो है नौकर बोल सकते हैं हम, असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस को। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पर हम इससे मज़े भी ले सकते हैं गाइस। तो आप देखोगे कि मैं इसको ऑन करता हूँ। हे गूगल, व्हाट इज़ माय नेम? गाइस ये कह रहा है अपने ओपन करें लॉक को, तो लॉक को मैं ओपन कर देता हूँ। अब गाइस आप देखेंगे, हे गूगल व्हाट इज़ माय नेम? योर नेम इज़ प्रियांश शर्मा। हे गूगल व्हाट इज़ माय यूट्यूब चैनल नेम? अमेजिंग गूगल, ओके गुड बाय गूगल, बाय। तो गाइस अब आप देख सकते हो ये हमें कुछ काफ़ी सारे कमाल के ऑप्शंस देखने को मिला, पसंद आए। और गाइस अगर आपको भी पसंद आए तो यार कमेंट कीजिएगा, और यहाँ पे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि लेटेस्ट ऐसी वीडियो अपन लेके आते रहते हैं।